मधेपुर न्यूज। 8 अगस्त की शाम गौ से दक्षिण बधाड़ में 22 साल के मोहम्मद रिजवान की हत्या कर पानी में फेंक दिया था। पुलिस की पकड़ से दूर रिजवान के आरोपी सड़क पर उतरे पछी के लोग की नारेबाजी। मधेपुर झंझारपुर मुख्य पथ पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर सड़क जाम कर दिया। झंझारपुर न्यूज। झंझारपुर आरएस बाजार का जल जमाव स्थानीय लोगों के लिए जहां नर्क बनते जा रहा है, वहीं शासन प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन गई है। प्रशासन की मेहनत पर बारिश ने फेर दिया पानी, मगर यह प्रयास इंद्रदेव को रास नहीं आता। 5 दिनों में निकली गई पानी को 2 घंटों में इंद्रदेव भर देते हैं। झंझारपुर न्यूज। झंझारपुर के पथराई गुमटी के पास ट्रक रेलवे के लोहे के बैरियर में फंस गया। इस कारण करीब 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। बताया जाता है कि रेलवे द्वारा कल ही पथराई गुमटी के पास रेल ट्रैक के दोनों ओर उत्तर और दक्षिण मधेपुर जाने वाली सड़क में लोहे का 2 बैरियर लगाया गया। मधुबनी न्यूज। स्टोम वाटर ड्रेनेज योजना के शिलान्यास के 6 महीने बीतने के बावजूद भी इसका कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। 1 मार्च को नगर विकास व आवास के मंत्री सुरेश शर्मा ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। शिलान्यास के समय तत्काल कार्य प्रारंभ किए जाने की बात बतलाई गई थी। खजौली न्यूज। प्रखंड के इंडवा पंचायत के मनियरवा गांव के वार्ड नंबर 8 में वर्षों से सड़क अतिक्रमण को लेकर चल रहे विवाद को हाईकोर्ट के आदेश पर अंचल अधिकारी संजय कुमार शाही के नेतृत्व में विवादित स्थल से जेसीबी चलाकर अतिक्रमण खाली कराया गया। 4 थाना के पुलिस ने खाली करवाया। जयनगर न्यूज। वॉशिंग प्लांट के निर्माण में करीब 2,25,00,000 रुपए खर्च आएंगे। प्रोसेस में टेंडर प्रक्रिया। हाजीपुर जोन का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट जयनगर में बनाया जाएगा। जगह को किया जाएगा चिन्हित। मशीन सिर्फ 8 मिनट में ट्रेन की सभी 24 कोच की बाहरी भाग को चकचका कर देगी। झंझारपुर न्यूज। झंझारपुर प्रखंड की नवानी पंचायत स्थित सिरखड़िया गांव के राम सिंह महतो के 10 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार की सुगरबे नदी में डूबने से मौत हो गई है। ग्रामीणों ने शव को बरामद कर लिया है। इस बच्चे की मौत पर परिवारों के लोगों को रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं आसपास के लोगों के अलावा पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। जयनगर न्यूज। कमला नदी बराज पर शनिवार की देर शाम नदी के जल स्तर में 20 सेंटीमीटर उछाल दर्ज की गई है। हालांकि नदी अभी भी खतरे के निशान से 1.25 मीटर नीचे बह रही है। नेपाल में जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण एक बार फिर कमला की जल स्तर में वृद्धि हुई है। शनिवार को शाम में अचानक कमला की जल स्तर में 20 सेंटीमीटर की उछाल आ गई। झंझारपुर न्यूज। झंझारपुर के रेलवे द्वारा किथनिया गुमटी और पथराई गुमटी पर दोनों तरफ बैरियर बनाया गया, जिससे ट्रक और बस पास होने में काफ़ी परेशानी हो रही है। लोहे के बैरियर में फंसा ट्रक 2 घंटे तक यातायात बाधित। फुलपरास न्यूज़। घटना शनिवार दिन के करीब 11 बजे की बताई जा रही है। ट्रांसफार्मर के जले फ्यूज के बनाए जाने के बाद बिजली आते ही धमाकेदार आवाज़ के साथ यह फट गया व अगल बगल चारों ओर इसका तेल छिड़क गया। कुछ पल के लिए चौक पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आहत की बात यह रही कि घटना से न तो कोई हताहत हुआ और न ही किसी को कोई नुकसान उठाना पड़ा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी है उसे ज़रूर दबा दीजिए।